इस बार बरसात ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसने प्रशासन की मानसून को लेकर की गई तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। लेकिन अब ये बरसात जानलेवा बनती जा रही है। ताजा मामला बहादुरगढ़ से सामने आया है, जहां इंदिरा कॉलोनी में भरे बरसात के पानी में डूबने से एक साल के बच्चे की मौत हो गई। अचानक हुई इस घटना से नाराज कॉलोनी वासियों ने नाराजगी जताते हुए बराही सड़क को जाम कर दिया और पानी निकासी की मांग करने लगे। कि हमें हमारी समस्याओं की तरफ सरकार ध्यान दे, प्रशासन ध्यान दे और इस समस्या का समाधान करे। बच्चे हर रोज बीमार पड़ने लग रहे हैं, डेंगू का प्रकोप चला हुआ है, इसके कारण स्कूलों में बच्चों का आना जाना बंद हुआ है और ना कोई आ जा सकता बाहर, ना जा सकता ना बाहर आ सकता है, इसके कारण बच्चे बीमार पड़ने लग रहे हैं। इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करे प्रशासन, बस हमें यही कहना आपसे। भाई पानी भर गया और बालक बीमार होने लगे, पीने का पानी रहा ना, घर में पानी बढ़ गया, नाग निकलन ला रही, बालक डरन ला रही, मारा पानी का समाधान करो बेटा, समझे ना। टोटी बालका कर ठीक, बीमार हो गए बच्चे और कोई सुनाई नहीं कर रहा प्रशासन, समझे ना। और कोई ना कोई भाई समाधान निकालो, नहीं तो फिर हम आगे पहुँचेंगे, जाम रोड करेंगे, हैवी जाम रोड करेंगे। कॉलोनी में पानी निकासी के हालात ऐसे हैं कि अभी पिछले हफ्ते हुई बरसात का पानी भी गलियों में भरा है, जिससे लोगों को आने जाने और बाकी काम करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मृतक की पहचान राहुल कुमार के बेटे गोलू के रूप में की गई है, जो दोपहर को खेलते खेलते अचानक बाहर आ गया और गली में भरे पानी में डूब गया। जाम की खबर मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस द्वारा समझाने के बाद कॉलोनी के लोगों ने आखिर में जाम खोल दिया। ये जो है ना इंदिरा विकास योजना, इंदिरा जो योजना के अधीन जो है ना, ये 1976 में कॉलोनी बनी थी, ना तो इसमें पानी का निकास है, ना यह योजना पूरी हो रही है, ना कोई प्रशासन SDM या कोई भी है इस तरफ देखता नहीं, ना सरपंच का तो मतलब ही नहीं है यहाँ देखने का, सीधी बात है। और जो है ना यहाँ जहाँ भी जाते हैं सुनाई नहीं करते, एप्लीकेशन ले लेते हैं और कूड़े के उसमें डाल देते हैं, किसी तरह कोई ध्यान नहीं देता और ना ही प्रशासन सुनता। और इसका इस घरों में यहाँ मलेरिया भी हुआ है, यहाँ मलेरिया भी हुआ है और यहाँ जो है ना डेंगू भी हुआ है और मच्छर भी पैदा हो गए हैं, यहाँ कीड़े भी हैं, यहाँ सांप भी निकलते हैं, यहाँ सब कुछ की इन समस्याओं से। और पानी का बहाव भी इससे जाता है, सरकार इसकी तरफ 10 या 15 साल से ही नहीं ध्यान दे रही, इसका समाधान किया जाए। मृतक बच्चे के परिजन पुलिस के सामने रोते बिलखते दिखाई दिए और प्रशासनिक अधिकारियों को भी खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं कॉलोनी के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने बच्चों की मौत का जिम्मेदार प्रशासन को ठहराया है। बहरहाल देखना होगा कि एक बच्चे की मौत के बाद प्रशासन जल भराव की समस्या का समाधान आखिर कब तक कर पाता है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।